में मतलब उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी खबर है, मुख्यमंत्री ने किया मंथन, विभाग को तैयारी शुरू करने का निर्देश। शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली जल्द, अक्टूबर नवंबर में आयोग विज्ञापन देगी। इस बात को समझें और एक बात आप जान लें कि बीपीएससी के द्वारा फिर से विज्ञापन दिया जाएगा शिक्षक बहाली को लेकर। तो वैसे अभ्यर्थी जिनका यदि 30 अंक आ रहा है, 10 अंक आ रहा है, 5 अंक आ रहा है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार तैयारी अच्छा से नहीं कर पाए या किसी कारण से चूक गए, तो वो चूके नहीं अभी से लग जाएं, ये 100% सही है। आप भी जानते हैं चूंकि चुनाव है तो चुनाव में जितना भी वैकेंसी होगी वह दिया जाएगा, वह चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो भी वैकेंसी आती है वह चुनाव युक्त हो गई है। तो इस बात को आप जाने, आपका भी ये प्रयास होना चाहिए कि इस बार जितना जल्द हो सके आप भी नौकरी ले लें, अन्यथा फिर 5 साल बाद मौका मिलेगा कि 10 साल लगेगा ये कोई नहीं जानता है। तो आप देखिए यहाँ पे सीएम साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि अक्टूबर नवंबर में आयोग विज्ञापन देगी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा कैसे होगा। राज्य में जल्द ही शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए आने वाले समय में होने वाली भर्ती के लिए शिक्षा विभाग को तैयारी शुरू करने को कहा है। माना जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर में नई बहाली का विज्ञापन जारी हो सकता है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में रिक्त शिक्षकों के सभी पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया। यह भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए होगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से कहा कि बीपीएससी की तरफ से वर्तमान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के तत्काल बाद नियोजन की एक और तैयारी कराएं, हर हाल में शिक्षकों की कमी पूरा करना है। तो आप ध्यान दें, यहाँ पे फिर से देखेंगे ये साफ तौर पर इसलिए बहाली कराया जाएगा। आप भी जानते हैं इतना दिन से भी शिक्षकों की कमी थी, उससे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब जो कमी है वह ज़रूर पूरा किया जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पे चुनाव आने वाला है और चुनाव को लेकर ये वैकेंसी दिया जाएगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चुनाव हो क्या है, आप अपने आपको यदि आप नौकरी चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं या कोई भी डिग्री है जो आप पात्रता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो आप ज़रूर अभी से तैयारी में लग जाएं, ताकि ये भी कंफर्म हो गया कि बीपीएससी के द्वारा ही लिया जाएगा, कोई आयोग दूसरा नहीं लेगा। इतना साफ सुथरा एग्ज़ाम कराने में बीपीएससी सफल हुई है, दूसरा आयोग नहीं होगी। इसलिए आप भी ध्यान दीजिएगा कि अब आपको तैयारी करना होगा। और सभी अभ्यर्थी को ये मालूम चल गया है कि सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पैटर्न क्या है, तो अगला बार ये नहीं सोचिएगा कि अब जो होगा उसमें आपका 40-45 पर सिलेक्शन हो जाएगा, 55 पर सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि सबके पास अब डायरेक्शन मिल चुका है कि क्या लेवल है, किस लेवल तक पूछा जा सकता है, उसी लेवल से सभी लोग तैयारी करेंगे। तो आपको एक बार फिर से कमर कस लेना है इस तैयारी के लिए। बाद बाकी आपसे मैं बता दूँ, सीएम हाउस में इस उच्च स्तरीय मीटिंग में शिक्षा विभाग को राज्य के स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए टास्क दिया गया। इसके अलावा इस मीटिंग में शिक्षा विभाग से जुड़ी नीतिगत मामलों पर भी चर्चा की गई। सूत्रों ने बताया कि इससे पहले हुई मीटिंग में जो निर्देश दिए गए थे उसे पालन करने के संदर्भ में भी सवाल उठाए गए, कई कदम की जानकारी मुख्यमंत्री ने खुद ली। सूत्रों का यह भी कहना है कि बैठक में हाल में शिक्षक नियोजन में बीएड डिग्री से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी औपचारिक चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर एक सरकारी कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अगली बार 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में घोषणा की। तो आप देख लें इस बार भी 1 लाख से अधिक पद आएंगे, 1 लाख पद कम नहीं होता है यदि यही देखा जाए तो। आप भी जानते हैं यदि दूसरा कुछ आता है, रेलवे हो जाए या कोई अन्य वैकेंसी हो जाए, तो उसमें करोड़ों फॉर्म गिरते हैं, लाख की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आप यहाँ पे लाख में रहते हैं, इस बात को समझिएगा। यहाँ आप एक सीट के लिए 6-7 अभ्यर्थी फाइट करते हैं, लेकिन वहीं आप चले जाइएगा दूसरे वैकेंसी में तो एक सीट के लिए 500-500, 200-200, 2000 लोग फाइट करते हैं, 4000 फाइट करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको राहत है यदि आप तैयारी करते हैं, तो यदि आप अभी से चाहेंगे तो अभी से कर सकते हैं।
और कुछ जानकारी यदि चाहिए तो एग्जाम टूर को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी जो भी हैं या बीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे सटीक सबसे प्रमाणित खबर के लिए आपको एग्जाम टूर पर आना होगा। और कोई विशेष जानकारी के लिए या कोई आपके पास समस्या हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मीटिंग के बाद का बात है। उसके बाद आपसे मैं बता दूं, औपचारिक रूप से जैसा कि पेपर में दिया गया है, औपचारिक रूप से ये भी चर्चा हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में भी चर्चा हुआ। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर भी जल्द आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो सभी अभ्यर्थी से मैं यही निवेदन करूंगा कि यदि किसी भी कारण से, वो कोई कारण हो, यदि आप इस बार चूक मारते हैं तो ज़रूर आगे के लिए तैयार रहें। आयोग अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी देगी, आप भी जानते हैं 1.5 से 2 माह समय मिल जाए, यही एनफ है। चूँकि समय बहुत कम है, अगला साल चुनाव भी है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे और ध्यानपूर्वक आप तैयारी करें। इसमें मेरा जो सहयोग चाहिए वह मैं आपको 100% सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। बस आप अपने काम को करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।